song Neend Na Mujhko Aaye from the film Shandar was launched. Present stars at the event were Alia Bhatt, Shahid Kapoor and Vikas Behel. They spoke about the song, film and also shared their experiences of working together. मैं पूरे साल में एक रात जागता था स्टडीज के मैटर में, बाकी रात दूसरे मैटर में जागता था। नहीं, मुझे तो केला बहुत पसंद है। किसी ने मेरा ट्वीट पढ़ा कि नहीं आज? हाँ, अकेला अ नाइट मेक्स इनसोम्निया ब्राइट एंड वी आर रिलीजिंग नींद ना मुझको आए टुनाइट। केला या ऐसा कुछ, मतलब तू क्लियरली सवाल पूछ रहा है। ऐसा कुछ क्या बोल रहे तू यार, 12 बज गए, मतलब ख्यालों में तू कहीं और पहुंच गया भाई। केला मुझे पसंद है, वैसा वैसा तुझको पसंद है तो मैं। फिल्म के अंदर जो इंसोम्नियाक्स का एंगल है वो हमें ऐसा लगता है कि इंसोम्निया इज समथिंग विच लोग अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं। आम आदमी जो है वो इंसोम्निया को शायद इतनी अच्छी तरह पहचानता नहीं है। तो विकास हमेशा कह रहे थे, और दिस वॉज वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग्स इन द फिल्म, क्योंकि ऐसा कोई भी फिल्म हिंदी या इंग्लिश कभी आई नहीं है जिसके अंदर लड़का लड़की दोनों इंसोम्नियाक्स, और इस वजह से वो लोग मिलते हैं और इस वजह से वो लोग अकेले वक्त बिताते हैं, बिकॉज वो दोनों ही उठे हुए हैं, बाकी सब लोग सो गए हैं, तो उनके जो भी कॉन्वर्सेशंस हैं, बातें हैं, मोमेंट्स हैं, वो उसके थ्रू क्रिएट होते हैं। तो आलिया के पास एक टैटू है फिंगर पे फिल्म में, मेरे पास एक टैटू है हाथ पे, कौन से हाथ पे, वहाँ। क्या लिखा है वहाँ पे? यूजलेस। क्यों लिखा है ये मैं बताती हूँ। पिंकी फिंगर का मतलब सुसु, बाथरूम जाना है तो उसका यूज होता है। ये वाला फिंगर ए सबको सबको पता है क्या है? पॉइंट वाला फिंगर, पॉइंट वाला सबको पता है क्या है? लेफ्ट, यू कैन पॉइंट विद दैट फिंगर ना यू इडियट। मेरे को राइट जाना है, इधर जाओ अभी, ऐसा इसका यूज कैसे बताओ यार? थंब वाला फिंगर, थंब दोनों दोनों मींस गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। लेफ्ट हैंड का लाइक ऑन रिंग वाला फिंगर, ये रिंग वाला फिंगर है। राइट हैंड का ये वाला फिंगर एकदम यूजलेस है, इसका क्या मोल है? जी सर, एक्चुअली मेरी रंगून की शूटिंग दिसंबर में शुरू होने वाली है। ऐसे मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी कि नवंबर लिखा हुआ था, मैं नवंबर में नहीं शूट कर रहा हूँ, मैं दिसंबर में शुरू कर रहा हूँ। और उसके लिए विशाल सर ने मुझसे कहा था, अब मैं स्पेसिफिकेशंस में तो नहीं जाऊँगा, बट ही इज़ आस्क्ड मी टू ग्रो द बियर्ड बिकॉज पोटेंशियली शायद वो हम यूज़ कर सकते हैं फिल्म के अंदर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इंटिमिडेटिंग लगते हैं। मुझे पूछा गया था कि विल यू फील इंटिमिडेटेड, आई सेड ऑब्वियसली मैं ज़्यादा नर्वस फील करूँगी ही बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं नहीं, बट नर्वसनेस मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इट कीप्स मी ऑन माय टोज। एंड विद शाहिद आल्सो इनिशियली मैं नर्वस थी। व्हाट लाइज? ऑफ कोर्स मुझे सलमान शानदार लगते हैं।